अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी फ्रेंड? ठीक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं जा रही हूँ अफ्तारी पे। मेरी दोस्त हैं यहाँ पे कोमलनाथ और सबा और मेरे उस्ताद नीली, उनकी तरफ आज मेरी अफ्तारी है। और मैंने कहा चले अभी का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी असर का टाइम होने वाला है और अभी मैं उठी हूँ, फ्रेश होती हूँ, नहाती हूँ, असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा कुरान पाक पढ़ती हूँ, उसके बाद जो है ना कपड़े पहनूंगी और फिर हम लोग कपड़े तो पहले नहा के पहन चुकी होंगी ना तो फिर हम निकलेंगे उनकी तरफ। नज़दीकी वो रहते हैं, 5 मिनट की मुसाफत है, 5 मिनट भी नहीं है, थोड़ा ही टाइम लगता है, तो इंसान जल्दी पहुंच जाते हैं। उधर जाते हैं फिर उनके साथ वीडियो बनाते हैं। तो चले अभी पहले नहा लूँ। तो रूम मेरा काफ़ी मैस है, अभी फ़िलहाल मेरी ये लोकेशन है अभी मैं इस हालत में हूँ। इधर रखो सामने, ये आ गया जी दूध। अभी दूध के साथ थोड़ा फेस पर कर लूँगी ताकि थोड़ी सी ग्लोइंग आ जाएगी। और बहुत अच्छा क्लिंजर होता है दूध, बेसिक ये है तो बाज़ारों का दूध होता है, केमिकल्स इसमें होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। मैं घर जाती हूँ वहाँ पर तो फिर माशाल्लाह यार मज़े आए, मज़े आए, मज़े मज़े मज़े, क्योंकि वहाँ पर जो माशाल्लाह आपको पता घर की बहन से मैं किधर चली गई, शीशे में देखो ये नीचे चला जाता, तो घर की बहन से हैं तो इसलिए माशाल्लाह बेनिफिट है। लेकिन घर जाके मैं बिल्कुल लेज़ी हो जाती, बस मैं अपनी अम्मी के साथ लगी रहती हूँ, अपनी अम्मी के साथ इंजॉय करती हूँ और फुली टाइम जो है ना मैं अपनी अम्मी को देती हूँ। और अभी यहाँ पर आके फिर जो मेरा दोधी है, दूध दे कर जाते हैं असीम भाई, यार उसको आप जानते हैं, वो अच्छा है, वो मुझे खालिस दूध देते हैं। अभी यहाँ कहाँ जा रही हूँ मैं, सीधा देखो यार सामने रखो, इधर क्या हो गया। तो ये है कि दूध के साथ आप भी क्लीनिंग किया करें, इंशाल्लाह आपकी भी सीन शाइन करेगी जैसे कि मेरी तो अब फिलहाल नहीं कर रही। रूम भी काफ़ी मैस है लेकिन क्या करूं क्योंकि आज ही मैं घर से आई हूँ। ये मैंने सारे थोबड़े शोबड़े ये मैं खलार देते सारे, अभी मैं सिलेक्ट किया ये वाला और मैं आपको दूसरा भी दिखाती हूँ। तो पहले मैंने ये शर्ट निकाली थी, मैंने कहा ये नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा कलरफुल, ज़रा रमज़ान है तो सिंपल सा अच्छा लगता है। फिर मैंने ये वाइट निकाली, वाइट तो आपको पता है वैसे मुझ पर शाइन करता है, अच्छा लगता है। और उसको मैं बुरा नहीं कह रही, फिर कहाँ चली जाती हूँ, उसको मैं बुरा नहीं कह रही यार, हमजा भाई ने भेजी है ना, हमजा भाई, उसको मैं बुरा नहीं कह रही बिल्कुल भी, अच्छी है, नाइस है, लेकिन अभी मन नहीं है ना, अभी मैं ज़रा सादा सिंपल पहनना चाहती हूँ ना। बाल खुले हैं अभी क्लोज करने का। ये आ गया दूध और ये मैं, और अभी जो है ना क्योंकि इसके साथ ऐसे आप ऊपर की तरफ इसको रब करें यार, वो कॉटन के साथ लगा के भी करते लेकिन वो चौचले वोचले मुझे नहीं आते, देसी सी बंदी हूँ आपको पता है ना, देसी अच्छा लगता है मुझे ऐसे। अभी मैं हाथ कैमरा पकड़ाती हूँ, ऐसे समझ नहीं आता यार क्या करूँ, अब रोजा रखा हुआ है, कुछ मेरे हाल पे रहम करो, चले बैठ के इधर कर ले। और ये है वो कुदरती जादू प्रोडक्शन जो लगा के आप गोरे गोरे हो जाएंगे मेरी तरह। और इसको खाली जो है ना फेस पे नहीं लगाना है, इसको साथ साथ में अपने हाथों पे बाजुओं पे भी लगाना है ना, क्योंकि ये भी तो साथ में इक्वल इक्वल हो ना, इक्वल इक्वल शाइन करें, स्किन मेरी ग्लो कर रही है। और इसको आपने करना है कम अज कम 20 मिनट, आधा घंटा, 25 मिनट। ये रमज़ान की वीडियो पड़ी हुई और मैं कितनी ज़्यादा लेज़ी हूँ कि अब अपलोड कर रही हूँ, और इतनी जल्दी थी उस टाइम मुझे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हुई, लेकिन आपने आराम से करनी है। ओ ध्यान से अभी इस पैर से साफ कर ले, तो ये देखें शाइन आया ना माशाल्लाह, माशाल्लाह कहना लाजमी लगाना, आप भी यूज़ करना ठीक है ना। अभी मैं ये ऑयल है जो कि मैंने आपको बताना है कि इसकी रेमेडी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी मैं बालों पे ऑयल लगा लूँ, आपको पता है ना तो मैं एक दिन के लिए हम आए हैं यहाँ पर और सारा अमला तो अपने अपने घरों पर गया हुआ है, इसलिए अपना काम खुद ही करो, इतने चौचले कौन करे, बस उठाओ वाह
यहाँ पे मेरा अक्सर जब मैंने लगाना पर मुझे लगाना पड़ता है ना ऑयल, तो मैंने दरमियान में ऐसे काफी सारा डाल के उसको सारे सर में फैला देना होता है, फिर बालों को उठा के यहाँ पे दिखाओ जरा बड़े भाई को देख ला ले। ए लाला जी तेल ला दाढ़ी लाना है कमरा सारा ऐसे गंदा हुआ पड़ा है, सफाई कर लेना वीडियो बना के। अच्छा मैं नहा के निकलू ना, रूम फ्रेश कर ले। तो अभी मैं इन सब से मैंने मिल लिया है और वीडियो वीडियो भी बनाया है। कैसा बात, तो अभी बस थोड़ा टाइम रह गया, 10 मिनट रह गए, तो बस जल्दी तैयारी वगैरह हो गई है। आज जिस जिस फ्रेंड अफ्तारी करनी है, हाँ किसी ने अगर अफ्तारी करनी तो आज। ये है नगीना, नगीनास मैं भी नहीं आ सकती, मेरा वो बुब्बा बानी नहीं है। नाज अस्सलाम वालेकुम सबको, भाई रमजान बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपको खुश रखे और रोजे रखने की तौफीक और हदायत दे आपको। गाइस ये केला है और सेब है, अभी यहाँ पे जामुन भी आ गए है। तो ये बैठा हुआ है आपको पता है, इसको मैंने लास्ट टाइम भी बताया। इमरान सुनाओ कैसे हो, ठीक हो, खैरियत है? और जरा क्लोज उधर तो कोई क्लोज दे। ये अभी ये शर्मा रहा है, ये बड़ा हंसता और बड़ी बड़ी बातें करता है। तो मैंने आप भी व्लॉग में देखा, मैंने लास्ट टाइम आप व्लॉग में बताया था, वो देखा भी लोग नहीं, अभी लास्ट टाइम जब पार्टी का मैंने अनअपलोड कर दिया। हां आप भी वो बैक है। ये गाइस मेरी उस्ताद है जो गठबंधन की होती है उस्ताद, मतलब इनका रिश्ता गठबंधन वाली उस्ताद है, इन दोनों का रिश्ता है। ये उस्ताद शबीर है, माशाल्लाह सदा बाग रहे, खुश रहे। थैंक यू, आमीन सुमा में उस्ताद मेरी को अल्लाह का मेरे उस्ताद के सर के सेहत पर सलाम ले ली। अस्सलाम वालेकुम, ये महकी उस्ताद है, ये मेरे उस्ताद है, ये मेरे उस्ताद है, ये महदम की उस्ताद है, हमने बांट ली दोनों। मैंने उठा जोक चला दी थी गुरु चल गया, इसके बाल भी खाओ उस्ताद बड़े हैं। ये कमल के बाल माशा इतने प्यारे, इतने खूबसूरत, इतने हसीन, अभी भी अच्छे हैं। गाइस ब्लैक कपड़ा है, इसलिए नजर नहीं आ, देखो यहाँ का काल है। पहले ऐसे ही थे लेकिन इसने सारा सत्यानाश मार दिया, यहाँ तक आ गए बालों का। और आप सुनाए ठीक है, ये जो आप मुझे प्यारी प्यारी फ्रॉक्स में देखते हैं ना, लास्ट अभी आपने देखा है वो कौन सा कलर पहना था सर में, प्रिंट नहीं प्रिंट मूंगिया, हाँ मूंगिया में मैंने टिकटॉक भी अपलोड किया था, उससे पहले सिक्कों वाले ब्लैक, ये वो मशीन है जिसके ऊपर सिलाई हुई है, और ये मेरे उस्ताद है जिन्होंने सिलाई की है, स्टिच करती है। तो अभी मैं अपने उस्ताद के घर इफ्तारी पर आई हूँ और कमल और सबा यहीं रहती है। हाँ जी जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसे लगा आपको व्लॉग और नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा और अपने चैनल मेरे चैनल द रियल महक मलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करके आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।